गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में हमने पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक देखा था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, के पोलन ग्रेन जो हैं वो जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं, हैप्लोइड नेचर के होते हैं और राउंड होते हैं, जिसके ऊपर दो टाइप की वॉल से कवर होता है। आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी होने के कारण सबसे हार्ड पार्ट है, जबकि इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और एक्साइन के बीच बीच में कुछ प्रोटीन पाया जाता है जो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से हमारे एटमोसफियर में फैल जाता है, जिससे पीपल्स को फीवर एंड एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आपको इस एनिमेशन से पता चल रहा है कि ये एक पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के बाहर वाली जो लेयर है या वॉल है जिसको एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहते हैं, जिसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है। इन सेल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि मेल गैमेटोफाइट आखिर बनता कैसे हैं, कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। और इसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर दो प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेस कंप्लीट होती है जिसमें से कुछ प्रोसेस तो पोलिनेशन के पहले और कुछ प्रोसेस पोलिनेशन के बाद में होती है। पोलिनेशन के जो पहले प्रोसेस होती है उसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले उसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीज़न करके दो टाइप की सेल्स बनाता है। बड़ी जो सेल्स होती है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटी सेल जो है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, वापस एक बार सुन लो कि जो पोलन ग्रेन्स है उसमें पोलिनेशन से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीज़न से और दो टाइप की सेल्स बनाता है। बड़ी जो सेल्स है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटी सेल्स को जनरेटिव सेल्स कहते हैं। जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस इनिशियल स्टेज में राउंड होता है लेकिन बाद में इरेगुलर शेप का बन जाता है, जबकि जो जनरेटिव सेल्स है उसका न्यूक्लियस इनिशियल स्टेज में कॉनकेव नेचर का होता है जो बाद में राउंड स्ट्रक्चर का बन जाता है, अगर और बाद में ये वापस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का बनता है। इससे एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि जनरेटिव सेल्स है उसका न्यूक्लियस ट्यूब्यूलर क्यों बनता है। ट्यूब्यूलर इसलिए बनता है क्योंकि उसका पोलन ट्यूब में ईजिली मोशन हो सके। ये क्या है मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। वेजिटेटिव सेल्स, जैसे मैंने आपको कहा दो टाइप की सेल बनती है, बड़ी सेल का नाम रखा वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली का जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल्स है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होता है और जनरेटिव सेल्स में साइटोप्लाज्म भी कम होता है। ये जो प्रोसेस है, मतलब दो सेल्स के बनने की जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन के पहले होती है और इसके बाद पॉलिनेशन होना शुरू हो जाता है। जब पॉलिनेशन होता है, और हमको पता है पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन मतलब कि पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो पहुंचने का तरीका है वो बाय एयर, हवा के ज़रिए हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है और बाय इंसेक्ट हो सकता है पॉलिनेशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि पॉलिनेशन से पहले एक वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल जनरेटिव सेल्स बनती है। जैसे मैं वापस आपको एक एनिमेशन के तौर पे बता रहा हूँ, ये देखिए, इसमें ये जो बड़ी सेल है, इस सेल के अंदर ये वेजिटेटिव सेल है और ये छोटी वाली जो सेल है वो जनरेटिव सेल, इनिशियल स्टेज है ना, इसलिए आपको ये राउंड दिखाई देगी, लेकिन बाद में जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसमें चेंज होते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम के तौर पे बताने की कोशिश करूँ तो डायग्राम के तौर पे ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये एक्साइन, एक्साइन के बाद इंटाइन, इनके बाद न्यूक्लियस है और बाद में ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो टाइप की सेल बनाता है, जिसमें एक सेल जो है वो बड़ी है जिसका नाम रखा वेजिटेटिव सेल, एक सेल छोटी है जिसका नाम रखा
जेनरेटिव सेल, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियर, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, एक्साइन है, इंटाइन है। वापस एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर आपको कोई ऐसा एक्साइन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता, सेम सब जगह एक जैसी दिखाई दे गई आपको। लेकिन आफ्टर दैट ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन के बीच बीच में आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, ये छेद 2 to 3, 2 से 3 होते हैं, जिसको कहते हैं जर्म पोर। ये जो जर्म पोर है ये आगे क्या करते हैं, इससे ये पोलन ट्यूब निकलने का काम करती है, जर्म पोर के नाम से जाना जाता है, जर्म पोर ये छेद। इन तीन छेदों में से ही, तीन पोर में से ही एक पोर में से एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है इंटाइन, जो क्या करती है पोलन ट्यूब कहलाती है। और उस पोलन ट्यूब में ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर मेल गेमेट बनाती है। पोलन ट्यूब बनती कब है, पोलिनेशन के बाद में। ये दो सेल्स बनती कब है, पोलिनेशन से पहले, मतलब ये पोलिनेशन से पहले की प्रोसेस, ये पोलिनेशन के बाद की प्रोसेस। देखते हैं आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद क्या होता है कि मेल गेमेट फॉर्म्ड फॉर्म जनरेटिव सेल, ये जो एक जनरेटिव सेल्स थी वो डिवाइड होके दो मेल गेमेट बनाती है, टू मेल गेमेट्स फॉर्म्ड फॉर्म जनरेटिव सेल, एंड पोलन ट्यूब जर्मिनेट एंड ग्रो टूवर्ड स्टाइल, फीमेल पार्ट जो है उसके स्टाइल की तरफ वो पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। जनरेटिव सेल्स कम इनटू ट्यूब, जैसे ही वो स्टाइल पोलन ट्यूब बनती है, जैसे कि ये ऊपर देखो कि ये स्टाइल की तरफ जैसे ही पोलन ट्यूब बनती है ये जनरेटिव सेल इस पोलन ट्यूब के अंदर आती है, और अंदर आने के बाद इसमें डिवीजन होके दो मेल गैमेट बनते हैं, पहले नहीं बनते। आप ये कभी मत कहना कि ये यहाँ पर इसका डिवीजन होता है, जनरेटिव सेल्स का डिवीजन कहाँ पे होता है, पोलन ट्यूब के अंदर, के पोलिनेशन के बाद सबसे पहले पोलन ट्यूब बनती है जो ग्रोथ कहाँ तक करती है, स्टाइल की तरफ। और जैसे ही जनरेटिव सेल इस स्टाइल इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाती है इसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद टू मेल गेमेट्स बनाती है जनरेटिव सेल, और बाद में वेजिटेटिव सेल भी इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाती है। और ये पोलन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर टू मेल गेमेट्स मौजूद है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ये आपके 12th के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, कि पोलन ग्रेन में जब जर्मिनेशन हो जाता है और उसमें पोलन ट्यूब बन जाती है, और बनने के बाद जब उसमें टू मेल गेमेट्स बन जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर मतलब पोलन ट्यूब एंड मेल गेमेट्स दोनों एक साथ होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है मेल गेमेटोफाइट। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करें तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि एक, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डीएनए का अमाउंट सेम होता है, लेकिन हमको पता है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, और साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो आरएनए अमाउंट वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। आरएनए का अमाउंट वेजिटेटिव सेल में ज़्यादा है जबकि जनरेटिव सेल में कम है, जबकि डीएनए का अमाउंट दोनों सेल्स के अंदर सिमिलर है, ये भी आपके 12th में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो बिगेस्ट पोलन ग्रेन्स, जो सबसे बड़े पोलन ग्रेन्स है, वो मेगाबिलिस नाम के प्लांट में पाए जाते हैं, जिनका डायमीटर होता है 200 माइक्रोन, जबकि प्लांट किंगडम में सबसे छोटे पोलन ग्रेन्स जो है मायोसोटिस प्लांट में पाए जाते हैं, जिनका डायामीटर होता है 2.5 to 3.5 माइक्रोन। जैसे कि ये आपको दिख रहा है इसके अंदर कि ये एक पोलन ग्रेन है,
और इस पोलन ग्रेन के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होके दो टाइप की सेल्स बना रहा है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होके टू टाइप की सेल बना रहा है, फर्स्ट जेनरेटिव सेल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनती है, दूसरी वेजिटेटिव सेल्स थी, ये पोलन ग्रेन है। और सारे पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ये सारे पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जिसके ऊपर एंडोथीसियम की लेयर है। ये लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। मैंने आपको बताया भी था कि एंडोथीसियम एक इम्पोर्टेंट लेयर है जो पोलन सैक को रप्चर करने में काम आती है। मतलब ये जो पोलन सैक है इसको रप्चर करने में, फाड़ने में काम आती है ये एंडोथीसियम। ये रप्चर हो गए, रप्चर होने के बाद सारे पोलन ग्रेन्स स्प्रेड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे कि हमको पता है कि फ्लावर में उसका फीमेल पार्ट गाइनोशियम होता है, और गाइनोशियम नॉर्मली दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंगल होते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। गाइनोशियम के अंदर कार्पल अगर सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन कार्पल्स है, तो दो कंडीशन आ जाती है। एक आता है एपोकार्पस, एक आता है सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है कि बहुत सारे कार्पल्स आपस में सेपरेट होते हैं, और सिनकार्पस कंडीशन में क्या होते हैं कि बहुत सारे कार्पल्स आपस में जॉइंटेड होते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा गाइनोशियम, जिसको कार्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्पल दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा वाइड होता है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे वाला स्टाइल कहलाता है, और स्टाइल के अंदर आपको स्टाइल के नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा फूला हुआ दिखाई देता है, जिसको ओविगी के नाम से जाना जाता है। और ओविगी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर। ओविगी के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको ओव्यूल्स कहते हैं। इसको भी हम अगर एनिमेशन तौर पे देखें तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। वो ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में एंड्रोशियम मेल पार्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये गाइनोशियम जो इसका फीमेल पार्ट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग फ्लावर्स में ये जो गाइनोशियम आपको अलग अलग टाइप से दिखाई दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कंडीशन कही थी कि अगर ये मोनोकार्पस गाइनोशियम, जिसमें केवल एक कार्पल्स पाया जाता है, ओनली फॉर वन कार्पल्स पाया जाता है, जबकि एक से ज़्यादा पिस्टल होने पे उसको मल्टी पिस्टल कार्पल्स कहते हैं, और एक से ज़्यादा कार्पल होते होने पर मैंने दो कंडीशन बताई थी। एक तो बताई थी एपोकार्पस, जिसमें सारे पिस्टल्स एक दूसरे से फ्री आपको दिखाई दे गए हैं, और दूसरा सिनकार्पस, जिसमें ये सेपरेट आपको दिखाई दे गए हैं। यहाँ पे ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। एपोकार्पस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और ये यहाँ पे एपोकार्पस की जगह सिनकार्पस आएगा। फ्री पिस्टल होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ पे एपोकार्पस यानी कि सेपरेट, सिनकार्पस यानी कि जॉइंटेड। ये फ्लावर का जैसे कि ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, स्टाइल एंड ओविगी। स्टिग्मा देखें, थोड़ा चौड़ा हिस्सा होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं। नीचे वाला एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर पूरा स्टाइल कहलाता है, और इसके नीचे वाला जो वाइड एरिया है, थोड़ा फूला हुआ हिस्सा है, उसको ओविगी कहते हैं। और ओविगी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ये आप इसमें देख सकते हैं ओव्यूल्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, कि एक ओव्यूल दिखने में आपको कैसा दिखाई देता है। वापस एक बार मैं आपको बता दूं कि ओव्यूल्स होते कहाँ हैं।
ये जो गाइनोशियम है या पिस्टिल है, इसके नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाते हैं। अब हमको इन ओव्यूल्स के बारे में देखना है कि ये ओव्यूल्स कैसे दिख। नॉर्मली जो ओव्यूल है वो आपको ओवल शेप का ही दिखाई देता है। अगर एक ओव्यूल को बड़ा करके देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ओव्यूल, ओवल स्ट्रक्चर का दिखाई देता है। और इसके अंदर एक टाइप का पेरेन्काइमा सेल का ग्रुप होता है, पेरेन्काइमा सेल्स का ग्रुप होता है, जिसको न्यू सीलस के नाम से जाना जाता है। वापस सुनना कि ओव्यूल जो है उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट पेरेन्काइमस टिश्यू का बना होता है, जो न्यू सीलस के नाम से जाना जाता है। और इस न्यू सीलस के चारों तरफ दो टाइप के कवर होते हैं, जिसको इंटेगुमेंट के नाम से जाना जाता है। बाहर वाले को कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट, और जो अंदर वाला है उसको इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, इंटेगुमेंट। वापस सुनना, न्यू सीलस ही ओव्यूल का मेन स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर कवर है आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के नंबर के बेसिस पे हम ओव्यूल को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि किन्हीं किन्हीं प्लांट में ओनली फॉर वन इंटेगुमेंट पाया जाता है, तो उसको यूनी टैगेमिक कहते हैं। बाई टैगेमिक होने पर दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, जो आपको मैक्सिमम प्लांट में दिखाई देंगे। और कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जिसमें ओनली फॉर ये न्यू सिलस ही पाया जाता है, इंटेगुमेंट होता ही नहीं है, उसको ए टैगेमिक कहते हैं, विथाउट इंटेगुमेंट। अगर हम इस इंटेगुमेंट की बात करें तो इंटेगुमेंट ओव्यूल या न्यू सिलस को पूरी तरीके से आप देखो ये के न्यू सीलस को ये पूरी तरीके से कवर कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा। उसमें कुछ ऐसी जगह है जहां पर इंटेगुमेंट कवर नहीं कर पाता, उसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। द इंटेगुमेंट डू नॉट कंप्लीटली कवर द ओव्यूल, इट फॉर्म ए स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। के इंटेगुमेंट अगर कहीं पे कवर पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, एक छोटा सा छेद उसमें मौजूद है, उसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है इसमें कि ये इंटेगुमेंट है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट कंप्लीटली कवर कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें छेद है जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। वापस एक मिनट सुनना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान से देखना कि ओव्यूल जो है उसका मैक्सिमम पार्ट न्यूसिलस का बना होता है, जिसके ऊपर दो इंटेगुमेंट का कवर होता है, लेकिन इंटेगुमेंट पूरी तरीके से उसको कवर नहीं कर पाता, उसका कुछ हिस्सा ओपनिंग के तौर पे रह जाता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पोर्शन है, ये माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट पोर्शन चैलेजा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि द अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल और बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। द इंटेगुमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द चैलेजा। याद रखना पड़ेगा आपको इसके बारे में कि जो माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को चैलेजा के नाम से जानते हैं। और ये जो मैंने अभी कवर बताया इंटेगुमेंट के, ये इंटेगुमेंट के कवर इस चैलेजा से ही डेवलप होते हैं। और ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एक थैले के जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यही फीमेल गैमेटोफाइट है। याद रखना पड़ेगा आपको कि ओव्यूल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये है क्या, द ओव्यूल नियर द माइक्रोपाइल एंड इट फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज फाउंड। एम्ब्रियो सेक में देखें, एम्ब्रियो सेक में देखें तो
तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ पे आपको थ्री सेल्स का ग्रुप एक साथ दिखाई देता है, जिसमें बीच वाली जो सेल है उसको एग सेल कहते हैं और जो साइड वाली टू सेल्स है इसको सिनेजिड के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों मिलके एग एपरेटस बनाती हैं। वापस सुनना कि थ्री सेल्स एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा हूँ मैं, एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड पे तीन सेल पाई जाती है, जिसमें से एक सेल सबसे बड़ी होती है, बीच वाली जिसको एग सेल कहते हैं, और उसके साइड वाली जो दो सेल्स है उसको सिनेजिड के नाम से जाना जाता है। और चलेजा की तरफ, इस एम्ब्रियो सैक में चलेजा की तरफ भी तीन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, 1, 2 एंड 3। ये तीनों सेल्स का जो ग्रुप है इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। चलेजा की तरफ भी तीन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, इन तीन सेल्स को एंटीपोडाल सेल के नाम से जाना जाता है। वापस सुनना, हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक की, कि माइक्रोपाइल एंड जो है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ तीन सेल्स का ग्रुप है उसको तो कहते हैं एग एपरेटस, जिसमें एक होती है एग सेल, दो होती है सिनेजिड, जबकि चलेजा की तरफ भी तीन सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिसको एंटीपोडाल सेल्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक की, जैसे कि यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, टूवर्ड माइक्रोपाइला एंड ओव्यूल ग्रुप ऑफ ए थ्री सेल्स फाउंड विच इज कॉल्ड एग एपरेटस एंड रिमेन सेल्स आर कॉल्ड सिनेजिड, एंड टूवर्ड चैलिजल एंड देर आर थ्री एंटीपोडाल सेल्स आर प्रजेंट। इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक देयर इज ए सेंट्रल सेल विच हैविंग टू हैप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई विच इज कॉल्ड सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ये देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा, जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आपको दिखाई देगा है कि नीचे की तरफ तो एग सेल और सिनेजिड, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल, लेकिन इसके बीच में टू न्यूक्लियाई कंबाइन हो एक सेल बनाती है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। वापस सुनना, टू न्यूक्लियाई डिवाइड होके सेल बनाती है जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इसको भी हम थोड़ा एनिमेशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन पहले थोड़ा ये दो टॉपिक मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया, कि ये तो हमने पूरा ओव्यूल का शेप पढ़ लिया, लेकिन ओव्यूल जो है वह ओविरी में एक डंडी के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको फुनिसल कहते हैं, और ये जो डंडी है इस न्यूसीलस या ओव्यूल से जिस पार्ट द्वारा आपस में चिपकी हुई होती है वो हाइलम कहलाता है। वापस एक मिनट सुनना, डंडी के जैसा स्ट्रक्चर फनिकल कहलाता है, और हाइलम इस फनिकल को इस ओव्यूल से जोड़ने का काम करता है, जिसको हम एनिमेशन के तौर पे अभी देख रहे हैं। ये फनिसल, ये हाइलम जो इसको जॉइंट करने का काम कर रहा है, और ये इसके ऊपर वाला इंटेगुमेंट, लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स, और इंटेगुमेंट के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसमें आपको ये नीचे की तरफ एक हिस्सा जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। देखने से आपको क्लियर हो गया है, ये इसका न्यूसीलस, और न्यूसीलस पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है जो दिखने में ऐसी दिखती है। और इसके अंदर आपको ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, जिसमें ऊपर वाला चलेजा, चलेजा की तरफ तीन सेल्स का ग्रुप होता है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, और नीचे की तरफ होता है एग एपरेटस, जहाँ पे आपको दिखने में ये 1 एंड 2 दो ही सेल दिखाई देगी, लेकिन एक सेल इसके जस्ट पीछे की तरफ है, बिहाइंड है, वो जो है वो सबसे बड़ी है जिसको एग सेल कहते हैं, और ये दोनों सिनेजिड कहलाती है। ये कंप्लीट तीन सेल्स नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और तीन सेल ऊपर की तरफ, और बीच में टू न्यूक्लियाई आपस में जॉइंट होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। गुड बाय।